हेलो एवरीवन, आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट फेमस एक्टर, एंकर, कॉमेडियन एंड ऑथर एंड बिग बॉस OTT सीजन 2 के कंटेस्टेंट साइरस बरूचा की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको शायद आप नहीं जानते हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप साइरस बरूचा के फ़ैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। इनका रियल नेम है साइरस बरूचा और प्रोफेशन से टीवी एंकर, थिएटर पर्सनैलिटी, कॉमेडियन, पॉलिटिशियन एंड ऑथर हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1971 को मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में हुआ था और 2023 के हिसाब से आज इनकी एज 52 ईयर हो चुकी है। अब इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5 फुट 9 इंचेस है। इनका आई कलर ब्लैक और हेयर कलर ब्लैक है और ये नेशनलिटी से इंडियन है। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई सेंट सावियर कॉलेज मुंबई से की और साथ ही अपने आगे की पढ़ाई ली स्टारबक्स थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है पॉलिटिकल साइंस से। साइरस का जन्म 7 अगस्त 1971 को एक पारसी फादर एंड कैथोलिक मदर के यहाँ हुआ था। उन्होंने 5 साल की उम्र में एक स्कूल प्ले द एमरॉय न्यू क्लॉथ में एक्टिंग करना शुरू किया। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने 12 साल की उम्र में नसरुद्दीन शाह की फिल्म जलवा के साथ अर्चना पूरम सिंह के छोटे भाई के रूप में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। वह स्कूल ड्रामास में परफॉर्मेंस करते थे और साथ ही स्कूल मैगजीन के लिए भी लिखते थे। 1988 में उन्होंने अपना पहला प्रोफेशनल प्ले ब्रिंगटन वीच मेमोरी पल पद्मसी के बैटल के तहत किया, जिसमें उन्हें टाइटल दिया चाइल्ड प्रोडिगी बाय द प्रेस। अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक आरजे के रूप में काम किया। उन्होंने टीवी में एज अ होस्ट MTV बकरा से 1999 में डेब्यू किया था, जहां इन्होंने 2006 तक काम किया। उसके बाद ये CNN IVN पर द बिग डेट वेस्ट में एज अ होस्ट काम कर चुके थे। साल 2006 से लेकर 2023 तक उन्होंने कैरेक्टर के लिए वॉइस ओवर भी किया कार्टून फिल्म रामायण में अंगद का। उन्होंने टेन स्पोर्ट पर पॉपुलर सेवलेट क्रिकेट शो में एज अ होस्ट भी काम किया और हर क्रिकेटर का इंटरव्यू भी लिया। MTV के साथ काम करते हुए उन्होंने लगभग हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी का भी इंटरव्यू लिया और साल 2010 में उन्होंने अपनी बुक्स कॉल आज और कल को रिलीज किया, जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज के बारे में एक सेमी ऑटोबायोग्राफी कॉमेडी है। वहीं साल 2016 में इन्होंने भारत के रॉक द बोट कैंपेन का नेतृत्व किया और हैनोवर जर्मनी में UNAIDS कॉन्फ्रेंस में MTV को रिप्रेजेंट भी किया। और एज अ एक्टर इन्होंने काफ़ी मूवी में काम किया, जिनके नाम हैं 1990, लिटिल जीजस, स्रूट एंड नट्स, द सॉकिंस रॉय। साथ ही इन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 2 का भी हिस्सा रह चुके हैं और 2010 में ये खतरों के खिलाड़ी सीजन 3 में एज अ कंटेस्टेंट भी आए थे। वहीं साल 2023 में अब ये जियो सिनेमा पर बिग बॉस OTT सीजन 2 में एज अ कंटेस्टेंट भी आए हैं। देखते हैं ये यहाँ पर क्या करते हैं। तो हमको कमेंट करके बताना कि इस बारी बिग बॉस OTT का विनर कौन बनेगा। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो ये इनकी मदर हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, और इनकी वाइफ का नाम आयशा है, जो प्रोफेशन से एक फोटोग्राफर हैं। और एक इनके बेटी और एक बेटा भी है। इनके सन का नाम मिकेल्स बरूचा और इनकी बेटी का नाम माया बरूचा है। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको जिमिंग, ट्रैवलिंग, वॉचिंग TV काफ़ी पसंद है। अब इनके फेवरेट थिंग्स देख लेते हैं। तो इनके फेवरेट फूड है पिज़्ज़ा, चिकन करी, फिश करी। फेवरेट एक्टर हैं बोमन ईरानी, रणवीर सिंह। फेवरेट एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण। फेवरेट कलर है ग्रे, रॉयल ब्लू। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में रहते हैं।
अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार है मर्सिडीज बेंज, सेकंड कार है बीएमडब्ल्यू एंड थर्ड कार है ऑडी। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो हम आपको बता दें इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 5 मिलियन यूएस डॉलर है, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 42 करोड़ रुपये बनता है। तो ये थी साइरस बरूचा की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।